साथ थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार मणिपुर से रोजाना अपडेट हम आपको दे भी रहे हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया का प्रतिनिधि मंडल आज मणिपुर के दौरे पर है, जिनमें 16 पार्टियों के 20 नेताओं की एक टीम भी मणिपुर पहुंचेगी, साथ ही पीड़ितों से मुलाकात करेगी और कई स्थानों का जायजा भी लेगी। इसी के साथ ही राज्यपाल से भी मिलेगी। मणिपुर में पूरी तरह तनाव खत्म ही नहीं हुआ है। अभी मणिपुर में जाति हिंसा की आग ठंडी ही नहीं हुई है। मणिपुर में मैतेई और कुकी जाति के लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। ना ही संसद से लेकर सड़क का संग्राम थमा है। लगातार संसद में भी मॉनसून सत्र के बीच मणिपुर की हिंसा का विषय उठाया जा रहा है और विपक्ष भी लगातार यही मांग कर रहा है कि भाजपा सरकार मणिपुर हिंसा पर अपनी चुप्पी को तोड़ दे। इसी बीच खबर है कि विपक्षी दलों के साथ AIMIEM चीफ असदुद्दीन ओवैसी मणिपुर नहीं गए हैं। ओवैसी ने इसका एक बड़ा कारण खुद ही बताया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुद्दा ये है कि मोदी सरकार अपनी छवि को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंतित है। ये हिंसा पिछले 3 महीनों से जारी है और ये शर्मनाक है कि उन्हें 2 महिलाओं और कई अन्य महिलाओं के साथ हुए बलात्कार की कोई चिंता नहीं है। उनके लिए सब कुछ एक केवल और केवल साजिश है। लेकिन मणिपुर में हिंसा के बारे में क्या है उनका कहना? वे इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए साजिश का नया कोण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री को हटाएं, सारी जांच CBI को सौंपी जाए और हथियार लूटने का मामला NIE को दिया जाए, तभी न्याय हो सकेगा। वहीं MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि वो विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा नहीं है और उनको आमंत्रित नहीं किया गया है, इसलिए वे उनके साथ मणिपुर भी नहीं गए हैं। आपको बताएं कि मणिपुर में 3 मई से हिंसा लगातार बढ़ रही है। कुकी और मैतेई समुदाय के जातीय संघर्ष के चलते राज्य में 150 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अभी सवाल ये उठता है कि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को आखिरकार विपक्षी गठबंधन इंडिया ने अपनी टीम में क्यों नहीं शामिल किया, आखिरकार उन्हें आमंत्रित क्यों नहीं किया, ये आने वाले वक्त में पता लग ही जाएगा। इस खबर पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।